तुमको कब जाना तुम? राजकीय इंटरकॉलेज टंगसा विकासखंड दसोली जनपद चमोली गढ़वाल में आज दिनांक 31 अगस्त 2024 को विद्यालय में बाल सभा का गठन किया जा रहा है, जिसमें बाल सभा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स का चयन किया जाएगा। यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया से स्वच्छ और स्वतंत्र लोकतंत्र का गठन यहाँ पर किया जाएगा। प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय पार्टियों से कुमारी निकिता एवं प्रमोद उम्मीदवारी कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री का चयन किया जाएगा और लोकतंत्र को सजीव बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय, मतदान अधिकारी तृतीय, मतदान अधिकारी चतुर्थ, पीठासीन अधिकारी, प्रेक्षक, ऑब्जर्वर, जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में यहां पर बाल सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें दो उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और अपने कार्यों के बल पर स्वच्छ लोकतंत्र का निर्माण करने जा रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज टंगसा विकासखंड दसोली जनपद चमोली गढ़वाल में आज बाल सभा का गठन, जिसमें कि प्रधानमंत्री का चयन किया जाना है और स्वच्छ एवं स्वतंत्र लोकतंत्र का निर्माण विद्यालय के मतदाताओं के द्वारा किया जाना है। राजकीय इंटर कॉलेज टंगसा विकासखंड दसोली जनपद चमोली गढ़वाल उत्तराखंड में आज दिनांक 31-8-2024 को विद्यालय में स्वच्छ और स्वतंत्र लोकतंत्र के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री का चयन किया जाना है। विद्यालय में बाल सभा के गठन के लिए दो उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी निभा रहे हैं, जिसमें कुमारी निकिता एवं प्रमोद दावेदारी कर रहे हैं और इसमें विद्यालय के कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के मतदाता अपना मतदान कर स्वच्छ और स्वतंत्र लोकतंत्र का निर्माण करने जा रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज टंगसा विकासखंड दसोली जनपद चमोली उत्तराखंड के बाल मतदाताओं के द्वारा आज दिनांक 31-8-2024 को विद्यालय में बाल सभा के गठन के अंतर्गत बाल संसद का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय, मतदान अधिकारी तृतीय, मतदान अधिकारी चतुर्थ, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस अधीक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी जनपद चमोली गढ़वाल, भारत सरकार निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि, सेक्टर मजिस्ट्रेट, ऑब्जर्वर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। आज राजकीय इंटर कॉलेज टंगसा विकासखंड दसोली जनपद चमोली गढ़वाल में बाल सभा का गठन और बाल मतदाताओं के द्वारा अपने मत का प्रयोग कर बाल संसद का गठन किया जाना है, जिसमें स्वच्छ और स्वतंत्र लोकतंत्र का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर BLO के द्वारा मतदाता पर्ची आवंटित की जा रही है, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के बाल मतदाताओं के द्वारा स्वच्छ एवं स्वतंत्र लोकतंत्र का निर्माण
विद्यालय में किया जाएगा और इन्हीं के द्वारा अपनी बाल संसद का गठन किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी के रूप में अमित रावत, कक्षा 12। मतदान अधिकारी प्रथम के रूप में कुमारी प्रिया, कक्षा 11। मतदान अधिकारी द्वितीय के रूप में कुमारी सोनम, कक्षा 11। मतदान अधिकारी तृतीय के रूप में कुमारी अश्वनी, कक्षा 8। मतदान अधिकारी चतुर्थ के रूप में आदर्श बर्तवाल, कक्षा 7। और मतदाता के रूप में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के मतदाता इन उम्मीदवारों की किस्मत तैयार कर रहे हैं। वहाँ पे बैठे अधिकारियों के साथ।